हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इन प्लांट्स को रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। जो मैंने ये न्यू प्लांटर खरीदे हैं उसमें तो ये क्रोटोन के वैरायटी है, इसके तीन है, और ये है हिबिस्कस के, और एक थूजा के प्लांट है। तो इन सबको अब आज मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो उससे पहले आइए पोटिंग मिक्स बनाते हैं। तो ये है गार्डन साइज, जो कि 50% है, और ये 30% है कोकोपीट, जिसको मैंने धो करके सुखा लिए हैं। और अभी समर का मौसम आ रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ये DAP के दाने हैं, ये नीम खली है, और ये है गोबर की खाद जो एक साल पुराना है। और इसमें हम थोड़े से ये एप्सम सॉल्ट भी दे रहे हैं, जो कि प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से उबारता है। और चलिए अब मिक्स करते हैं सबको। और साथ ही है ये लकड़ियों का राख, वुड ऐश, इसे भी डाल देती हूँ। ये पोटाश का सब्स्टिट्यूट है। और अब अच्छे से मिला लेते हैं पूरे। वुड ऐश का एक फायदा ये भी होता है कि प्लांट को फंगस भी नहीं लगने देता। तो ये बहुत ही अच्छा से मिक्स हो गया और पॉटिंग मिक्स भी अच्छा बना है, भुरभुरी। तो ये सारे प्लांटर है जिनको मैंने इस तरह से ड्रेनेज होल बना रखे हैं, और सब में मैं एक एक थर्माकोल के टुकड़े डाल दे रही हूँ, जो कि इनका ड्रेनेज सही रहेगा। और फिर एक एक कपड़े का नहीं है, जो शॉपिंग में मिलता है वो है, वो भी रख दे रही हूँ। और साथ में ये नारियल के छिलके भी डाल दे रहे हैं, ताकि ये पानी को होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कुछ कार्डबोर्ड भी डाल दे रहे हैं। और अब इसमें हम मिट्टी भर रहे हैं। सभी में, और साथ में कुछ संतरे के छिलके हैं, वो भी रख दे रहे हैं। वो अपने आप डिकम्पोज्ड हो जाएंगे सब्जियों के। और इसके ऊपर से फिर से मिट्टी डाल रहे हैं, ताकि ये अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड हो जाए सब। थोड़े से गोबर की खाद, और चलिए अब निकालते हैं अपने पौधों को। तो इसको इस तरह से पकड़ के, अब मुझे एक हाथ से ही करना है, तो इस तरह से मारने से ये निकल आया। ये देखिए, थोड़ा सा टैप करने से निकल आया। और अब हम इसको इसी तरह से रख देंगे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और
और अब इसको भी निकालते हैं, उसको भी इस तरह से पकड़ के और थोड़ा सा ऐसे टैप करेंगे तो ये देखिए वो भी निकल आया इस तरह से। देखिए कितना अच्छा से निकल आ रहा है हल्की सी टैप करने से। और इसके नीचे भी लगा है तो इसे हम इसमें रख दे रहे हैं इस तरह से। और अब इसे भी निकाल रहे हैं, एक साथ सबको निकाल लेते हैं। और ये भी देखिए ना अच्छा से निकल आया, ये देखिए। और बिना रूट को डिस्टर्ब किए इस तरह से रखते रहे हैं। और अब हम इसमें साइड साइड से मिट्टी डाल देंगे, इसमें ही रख लेते हैं। और इस तरह से मिट्टी डाल दे रहे हैं, सारे पौधों को हिला दे रहे हैं ताकि इनके एयर पॉकेट निकल जाए। और इस तरह से उंगली से मिट्टी दबा दे रहे हैं। तो आइए सबको इसी तरह से रिपोर्ट करते हैं। और इसको भी, ये हिबिस्कस को भी इसी तरह से टैप करके निकाल रहे हैं। और ये थूजा का प्लांट है तो उसे भी मैं इसी तरह से, और ये निकल आया है देखो। काफी बड़ा हो गया है, इसके नीचे भी लगे हैं कपड़े, इसे निकालते हैं। ये पूरी तरह रूट में उलझ गया है, कपड़ा निकल नहीं रहा, इसकी रूट ज्यादा हो गई है। रूट को मैं सोच रही थोड़ा सा तोड़ दूं, ये खाने से थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। इसे भी बैठा दिए। और ये लाल फूलों वाला हिबिस्कस है तो उसे भी इसी तरह से निकालती हूँ। और ये थूजा का है, इसमें भी। और ये हिबिस्कस को मैंने खरीदा था, इसकी काफ़ी फ्लावरिंग भी हुई थी लेकिन फिर मैंने इसे प्रून कर दिया। और अभी मैं इसको एक बड़ा पॉट दे दे रही हूँ ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने इस 6 गमलों को रिपोर्ट कर लिया। और थोड़ी सी सोयल मीडिया बच भी गई है तो ओके बाय फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके बाय।